मध्य प्रदेश में दो हफ्तों से चला सियासी घमासान भले ही थम गया हो, लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ की विदाई के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी में ही तनातनी शुरू हो गई है। जी हां, बीजेपी सरकार बनाने की तैयारियों में तो जुट गई है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर पार्टी ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं, क्योंकि पार्टी जानती है कि सीएम को लेकर लिया गया एक गलत फैसला पार्टी में बिखराव के हालात पैदा कर सकता है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार की विदाई के बाद अब बीजेपी के लिए सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है। कांग्रेस के अपने विधायक ही कमलनाथ सरकार की नैया डुबोने के जिम्मेदार बने, तो वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी में नई सरकार में नेतृत्व को लेकर गहमा गहमी का दौर शुरू हो चुका है। अब मध्य प्रदेश में सीएम कौन बनेगा इस सवाल पर बीजेपी में मंथन चल रहा है। हालांकि लंबे समय तक सीएम की कुर्सी संभालने वाले शिवराज सिंह चौहान का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन पार्टी दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर रही है। शिवराज सिंह चौहान के अलावा सीएम पद की रेस में नरोत्तम मिश्रा और नरेंद्र सिंह तोमर का नाम आगे चल रहा है। बात अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की करें तो वो यही चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ग्वालियर संभाग का कोई नेता सीएम ना बने। तोमर और मिश्रा ग्वालियर संभाग से ही आते हैं। अब बीजेपी को मध्य प्रदेश में ज्यादा बहुमत हासिल नहीं है, ऐसे में सिंधिया की राय के उलट फैसला लेना बीजेपी को भारी भी पड़ सकता है। साफ है कि अगर शिवराज की जगह आलाकमान को नरोत्तम मिश्रा या नरेंद्र सिंह तोमर को मुख्यमंत्री बनाना है तो इसके लिए पार्टी को पहले सिंधिया को राजी करना पड़ेगा। बात नरेंद्र सिंह तोमर और नरोत्तम मिश्रा की करें तो तोमर पीएम के करीबी हैं, जबकि मिश्रा गृह मंत्री अमित शाह के। अगर इन दोनों में से किसी के नाम पर मोहर लगती है तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है और उन्हें कृषि मंत्री बनाया जा सकता है। बीजेपी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी में तैयारियां तो शिवराज सिंह चौहान को सीएम बनाने की चल रही है। ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि भले ही शिवराज सिंह चौहान सबको मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार न हो, लेकिन ज्यादातर की पहली पसंद शिवराज सिंह चौहान ही है। वैसे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षाएं कैलाश विजयवर्गीय भी रखते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि तोमर के नाम पर उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। कहीं ना कहीं बीजेपी नेता जानते हैं कि भले ही मध्य प्रदेश में अभी सरकार बनाने की राह आसान हो, लेकिन सरकार के लिए कार्यकाल पूरा करने का रास्ता कठिन होने वाला है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।